स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपके, मेरे और पूरी दुनिया के जीवन को दर्शाती है। हम सब ने कभी ना कभी हार का सामना जरूर किया है अपने जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें हार के सिवा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिला। जब व्यक्ति हार जाता है तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, उदासी रहने लगती है, किसी पर भी नाराजगी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, अकेलापन उस व्यक्ति को बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि हार जाने पर व्यक्ति की नई राह की शुरुआत होती है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हारना फिर से उठ खड़े होना और दोबारा शुरू करने का नाम है, तो आप सफल हो जाओगे। कभी सफल व्यक्तियों से पूछना, उनका सिर्फ एक जवाब मिलेगा कि सफल व्यक्ति हार से नहीं बल्कि मैदान छोड़ देने से डरता है। अगर जीतना चाहते हो तो नदी की तरह बहना शुरू कर दो, क्योंकि रुका हुआ पानी ज्यादा दिन तक साफ नहीं रहता। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आसानी से सफलता कदम चूमती तो सफलता का महत्व ही क्या रह जाता, और जो आसानी से मिल जाए उसे सफलता भी नहीं कहा जाता। हम सभी जब किसी काम को करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक डर पनपता है। वो डर नाकामयाब होने का है, फेल होने का है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास रास्ता तक नहीं था, जिनके पास चलने के लिए भी रास्ता नहीं था, उन्हें मंजिल तक भी नहीं पता था कि उन्हें कहां जाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहाड़ को भी पार कर दिया चलते चलते। अगर आप जीतना चाहते हो तो सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और संयम, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस। अगर इसकी कमी है तो सबसे पहले अपने अंदर इसे जागृत करो, इसे अपने अंदर पैदा करो। भगवान से कभी यह प्रार्थना मत करो कि भगवान मुझे जिता दे, बल्कि भगवान से कहो कि हे भगवान, मुझे हारने के बाद भी उठ खड़े होने की शक्ति दे। आजकल पूरी दुनिया रास्ते में आने वाली रुकावटों, शर्मिंदगी महसूस करना हारने पर, बस इन्हीं बातों को सोचकर कोशिश ही नहीं करती। अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी बना लो और उस पे चढ़ते जाओ। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर लहरों से डरोगे तो कभी नौका पार नहीं करा पाओगे। और बिना कोशिश करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि बार बार नहीं, हजार बार कोशिश कर सको। तो उम्मीद है दोस्तों अक्षज एंटरटेनमेंट की इन बातों का आप पर असर हुआ होगा, और आज से ही आप कोशिश करेंगे सफल होने की। अगर आप हार का डर अपने अंदर से निकाल दें तो आप जरूर सफल होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, परिवारजनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, जिससे कि ये बात, अक्षज एंटरटेनमेंट चैनल की ये बात सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।